हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, न्यू डे. वेलकम बैक टू चर्पिंग इंट्रोवर्ट्स. एंड टुडे इज़ अ बिग डे बिकॉज मी एंड अनु आर गोइंग बैक टू इंडिया. फाइनली इट इज़ द डी डे व्हेन वी आर मूविंग बैक. एंड समवेयर और द अदर हम लोग थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि काफ़ी दिन हम लोग इधर थे. And we have seen a lot of struggle, working 11-hour shift, going to college and everything, and struggling with cooking, assignments, a lot of things. But still, कहीं ना कहीं हम लोग ही responsible थे. हम लोग पूरा अपना decisions लेते थे. और इस place से इतना familiarity हो चुका है अभी कि जाने से पहले थोड़ा तो याद आएगा ना guys. So sad a bit, but आपको थोड़ा सा घुमा लेते last time के लिए, कैसा था, हम लोग कैसे रहते थे वगैरह वगैरह. जो जो हम लोग का व्लॉग्स फॉलो करते थे आपको पता होगा, इधर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में साइकिल्स रखते थे. हम लोग साइकिल्स करके कॉलेज जाते थे. उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बस लेना स्टार्ट कर दिया. बट डेफिनेटली बहुत दिन हम ये सहारा था हम लोगों के कॉलेज जाने का. तो गाइस, लास्ट व्लॉग में अनु ने बोला था एक न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना था. एक थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ है. वो है कि हम लोग बहुत टाइम से इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस में थे और हम लोगों को इंडिया में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया है दोनों को. सो डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड समथिंग टू सम रीज़न टू गो बैक टू इंडिया डेफिनेटली. सो ओवरऑल इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बट पॉजिटिव आउटकम. ये रहा मेरा मतलब एकोमोडेशन जिसके अंदर रूम है. तो रूम मेरा जो है वो फर्स्ट फ्लोर में है, इसलिए दिखेगा नहीं इधर से, पीछे के तरफ है. बहुत इमोशनल, मतलब ऐसा बहुत रोना नहीं आ रहा है बट अजीब सा लग रहा है ना. हैबिचुएटेड हो गए थे रह रहे के इधर बहुत दिनों से. वेलकम टू योर न्यू होम. ये पहला दिन देखा था हम लोगों ने, तब तो इतने सैड थे, घर जाना है घर जाना है. तो हम लोग का जो फ्लाइट है वो कल सुबह है 10 बजे के बाद. और अभी मतलब हम लोग फिर इस मैनचेस्टर से है तो हम लोग इसीलिए इधर से निकल जाएंगे लीड से रात को ही ट्रेन में. तभी हम जा रहे हैं हमारा फेवरेट स्पॉट. यहाँ हम हर रोज़ उस साइड में एक बेंच है वहाँ बैठे रहते हैं. लास्ट के दिन मेनली बिकॉज तब इतना काम ऑफ अ लेटर वगैरह के बाद थोड़ा काम कम हो गया, पैकिंग वगैरह ही था. तो उससे पहले असाइनमेंट के टाइम, कॉलेज के टाइम, तब शिफ्ट भी रहता था तो टाइम नहीं मिलता था आने का. घर पे क्या बन रहा है तुम्हारा कल फेवरेट खाना? मटन. मटन बन रहा है? हाँ. मेरे भी घर पे मटन दाल. मटन तुम्हारा कब से फेवरेट खाना होगा? मेरा फेवरेट है, बहुत दिन से खाया नहीं. मेरा फेवरेट है दाल मटन और पोस्तोर बड़ा, पॉपी सीड्स पोस्तोर बड़ा. बंगाली समझ जाएंगे गाइस. इसको उठने का मन ही नहीं है. चलो नहीं, चलने का टाइम हो गया. नहीं चलो, अभी निकलना है, ज्यादा टाइम है नहीं. कुछ फील कर रहे हो तो बोलो, शेयर करो ऑडियंस से. कुछ नहीं ऐसे, मतलब चली जाऊंगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा. बट अभी थोड़ा वो फील होता है ना, लाइक मेमोरीज एंड ऑल फ्लैशबैक्स आ रहे हैं. जो एक साल का था, जो लोग मतलब 5-6 साल बाद जाते हैं उनको तो और कितना फील होता होगा. बाय. ये रहा लगेज, दिस इज शाइन्स, दिस इज ऑल्सो शाइन्स. ये मेरा है, मेरा है
एंड ये बैग्स है जो केबिन बैगेज, हाँ केबिन वाला बैगेज है 1 kg वाला, वो ये मेरा और ये मेरा और ये शाइन का, और ये छोटू सा बैग मैं ऐसे ही कैरी करने वाली हूँ। सो सब बैग्स एक ही जगह पे, एक ही रूम पे लेके आ गए हम लोग शाइन के रूम में, एंड थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे, एंड स्टे ट्यून्ड। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं टूवर्ड्स द ट्रेन स्टेशन, तो अभी बस में हैं हम लोग। ये हम लोग लास्ट टाइम लीड्स के बस पे है फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर अगर कॉन्वोकेशन पे आता है तो फिर से होगा। एंड ये रहा शायन, सारे बैग्स, बैग्स नहीं दिख रहे हैं, रुक, दिस इज हेडिंगली, बाय बाय हेडिंगली, लास्ट टाइम सिटी सेंटर गाइस। फिर से अगर कॉन्वोकेशन में तब फिर से देखेंगे। सो वी रीच्ड मैनचेस्टर एयरपोर्ट स्टेशन, दिस इज सो प्रीटी। एंड इधर से हम लोगों को एयरपोर्ट के अंदर जाना है, थोड़ा सा वॉक है, 7 minutes वॉक। सो गाइज क्विक अपडेट, हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं, तो वी हैव टू वेट अभी भी 2.5 hours, तब जाके ओपन होगा उनका जो वो होता है लगेज बैगेज क्लेम एंड ऑल, एंड देन सिक्योरिटी वो सब। तो हम बाहर बैठे हैं, दिस इज लाइक सम पार्किंग एरिया। सो या इधर से फ्लाइट भी दिख रहा है, और इतना नींद आ रहा है, इतना ज़्यादा, अभी बज रहा है आई थिंक 5:30 अराउंड लाइक दैट। एंड ऑल्सो गाइज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी, जब तक ये लाइव होगा तो चला जाएगा इंडिपेंडेंस डे, बट आज इंडिपेंडेंस डे है। एंड ऑल्सो एक चीज़ बोलना ही पड़ेगा, दैट इज़ we are also looking forward for justice. Guys, flight ka time ho gaya, hum log abhi board karenge flight. गाइज अभी हम हैं इस्तानबुल एयरपोर्ट में, एंड एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, ये देखिए इस्तानबुल एयरपोर्ट इतना सुंदर सजाया हुआ है, और इतने सारे शॉप्स हैं, ड्यूटी फ्री एवरीथिंग, फूड प्लेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम लोगों के गेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट फ्लाइट का गेट दे दिया है, 3 घंटे का लेओवर था टिल दिल्ली, एंड उसके बाद दिल्ली में लाइक अराउंड 10 hours ऐसा कुछ ले ओवर है, उसके बाद 2 घंटा लगेगा कोलकाता जाने में, मतलब 10 hours कैसे किल करे गाइज, सीरियसली कितना मूवी देखेगी 10 hours किल हो जाए। या उतरते इतना गर्म है, मतलब हम लोग यूके से आ रहे थे पूरा एकदम जैकेट वैकेट पहन के आ रहे थे, ठीक है, उसके बाद इधर आने के बाद मैं बस अपने टी शर्ट पहना हूँ, अपने टी शर्ट पहना था, मतलब इतना गर्म है टर्की में अभी। नेम्ड सम काइंड ऑफ ओल्ड बाजार, और इधर से जा रहे गेट नंबर डी, और ए बी सी के लिए हमको सीधा जाना है, एंड फाइनली वी आर बोर्डिंग फॉर इंडिया for New Delhi. चढ़ चुके हैं डेली जाने का।
फ्लाइट में, बट डिसअपॉइंटमेंट अगेन. ये है लास्ट सीट. हमने पहले से बुक नहीं किया था, इतना लास्ट मिनट हमने टिकट्स लिया था, पहले से बुक नहीं किया था. ये केबिन क्रू वाले उन लोगों का है चेंबर, हम लोगों का लास्ट सीट है. देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आशा है कि आपका सफर सुखद रहा होगा. आपकी अपनी सुरक्षा के लिए कृपया कुर्सी के पेटी के संकेत बंद होने तक अपनी कुर्सी के पेटी. गाइस, हम लोग का इमिग्रेशन हो गया डन और हम लोग दे दिए फैमिली का इंडिया में पहला ऑर्डर. कुछ नहीं, नॉर्मल छोला कुलचा. बहुत भूख लग रहा था, बहुत भूख लग रहा था. ये बस ब्रेकफास्ट, इसके बाद कुछ. मुझे ऐसा इतना शॉकिंग लग रहा है, ऐसे अगर मैं पाउंड्स में अभी देखूँ, सो इट्स 2 pounds 2.64 एंड उसमें इतना कुछ मिल रहा है, एंड वो भी एयरपोर्ट में. ये आ गया हमारा इंडिया में पहला खाना, इतना डिलीशियस. दिल्ली का छोला कुलचा, दिल्ली का छोले कुलचे. फाइनली गाइज, वी आर बैक इन कोलकाता एंड हम लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम लोग ने अपना यूके का जर्नी कंप्लीट कर लिया. और बहुत 1 year का स्ट्रगल जो भी था, जो कुछ भी था, बहुत सारे मेमोरीज भी लेके वापस आए हैं हम लोग. और लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स इन लाइफ. सो यस टू कोलकाता.